बिलगोनी के गुस्से के टूटे सारे बांध, कविता की आंखों में एली के वजह से क्यों आए आंसू। एलीगोनी कविता के प्रति क्या हो गए हैं हिंसक। एलीगोनी, जैस्मिन बसीन, एजाज खान, अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलेक ने कैप्टन कविता कौशिक के खिलाफ कर दी है बगावत की शुरुआत। गार्डन में मौजूद कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि सिर्फ कैप्टन के लिए होती है, एली और अभिनव ने न सिर्फ चुराई बल्कि रुबीना और जैस्मिन को भी पिलाई। एक बार नहीं, दो बार हुआ ये नियम उल्लंघन। इससे पहले राहुल वैद्य, एलीगोनी और एजाज खान ने भी कोल्ड ड्रिंक चुरा कर न सिर्फ पी बल्कि पीकर छत के पार फेंक भी दी। इतना ही नहीं, रुबीना, जैस्मिन और अभिनव ये बात करते भी नजर आए थे कि इस नियम उल्लंघन से जा सकती है कविता की कैप्टनसी भी। हालांकि इस नियम उल्लंघन से अनजान कैप्टन कविता कौशिक को लगता है बिग बॉस ने दे दिया है इशारा और दे उन्हें पावर। जिस भी सदस्य द्वारा उन्हें लगता है हो रहा है नियम उल्लंघन, उसे वो सजा के तौर पर उसके पर्सनल आइटम्स छीन कर बिग बॉस को दे सकती हैं। कविता, जिन्होंने एली का ट्रिमर लेकर सौंपा, हो गई एली के गुस्से का शिकार। पहले तो एली ने कर दिया ट्रिमर देने से इनकार, जिसके बाद होने लगी कविता और एली में बातों की झड़प। इन्हीं बातों में कविता ने जब एली से कहा कि तुम्हारी बाप हूँ मैं, तो एली खो बैठे अपना आफा और मचा दी घर में तोड़फोड़। इतना ही नहीं, एली कविता को गंदी गंदी गालियां देते भी नजर आए और उस डब्बे को धक्का मारकर जिसके पास खड़ी थी कविता, एली ने कर दिया कविता को जख्मी भी। एली चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते नजर आए कि अब वो नहीं होने देंगे टास्क और अब वो असली गुंडे बनकर दिखाएंगे और कर देंगे कविता की रातों की नींद हराम। एली के इस रिएक्शन के बाद कविता की आंखें हो गई नम और वो बिग बॉस से ये गुहार लगाती नजर आई कि उन्हें नहीं रहना शो में और वो जाना चाहती हैं बाहर। क्या एली का ये गुस्सा लाएगा उनके लिए कोई डेंजरस अंजाम, ये तो कल के एपिसोड के बाद ही पता चल पाएगा। बिग बॉस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।